सिटी मोड, फिर है इको, फिर है स्पोर्ट। अब मैं आपको ये हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे वीडियो में रखी है टाटा की नेक्सोन XZ प्लस वेरिएंट रहने वाला है ये। तो टाटा की कार जो कि फीचर्स वाइज और परफॉर्मेंस वाइज स्पेसिफिकेशन वाइज फुली लोडेड है। तो आज हम इस गाड़ी के बारे में बात करने वाले। पहले अगर आपको उस गाड़ी में फ्रंट में देखने को क्या मिलता है, तो उसमें आपको टाटा की बैजिंग मिलेगी, नीचे ट्राई एरो वाली जो उनकी ग्रिल आती है वो, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स विद DRLs, और यहाँ पे आपको फॉग लैम्प का ऑप्शन, जो कि कार बहुत अच्छी लगती है फ्रंट वाइज अगर बात करते हो। उससे भी पहले मैं आपको बात करूँगा तो इस कार के कलर के बारे में, जो कि रहने वाला है फ्लेम रेड। इस कलर को कंपनी ने नाम दिया है फ्लेम रेड। यहाँ पे आपको नेक्सोन की बैजिंग मिल जाएगी देखने को ब्लैक, ये डुअल टोन में रहने वाला है। इसके ORVMs आपको ब्लैक में मिलेंगे विद इंडिकेटर्स, और यहाँ पे आपको कार में अलॉय व्हील ब्रिजस्टोन का टायर मिलता है, 16 इंच का ट्यूबलेस टायर रहने वाला है। और ये जो एलॉय है ना, देखने में बहुत ही डैशिंग लुक के साथ कार की प्रोफाइल को, कार की अट्रैक्टिव लुक देता है कार को देखने में। और एक चीज़ और, फॉग लैम्प में जो बहुत कार को देखने में आपको अच्छी लगेगी वो ये क्रोम नहीं है, ये सिल्वर गार्निश वाली जो फिनिश दी गई है, जिससे कि थोड़ा फॉग लैम्प हमारा अलग से और अट्रैक्टिव लगता है कार में। और यहाँ पे जो पूरा हेडलैम्प की जो प्लेसमेंट दी है कंपनी ने, वो पूरे क्रोम ग्रिल के साथ आपको, और जो फ्रंट ग्रिल है उसके साथ पूरी मिक्सिंग मिलेगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्राई एरो का साइन मिलेगा, बट नीचे आपको क्लियर ही यहाँ पे पूरा एयर फ्लो बना रहा है, वो भी बहुत क्लियर है, और लुक वाइज देखने में बहुत अच्छा लगता है फ्रंट में। तो बात करते हैं कार के हम लेफ्ट साइड प्रोफाइल के बारे में। तो यहाँ पे आपको डुअल टोन में वाइट, मतलब एक जो क्रोम चलती है कंपनी ने उसे अपग्रेड करा है, यहाँ पे वाइट टच दिया है। इस कलर में आपको अलग अलग कलर में, इसमें जितने भी वेरिएंट में आप कलर लोगे उसमें यही देखने को मिलेगा, यही वाइट वाला। और यहाँ पर आपको जो ORVMs हैं ऑटो फोल्ड मिलते हैं, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड तक करके दिखाऊँगा। तो ये जो मैं वेरियंट दिखा रहा हूँ आपको, ये रहने वाला है पेट्रोल 1.2 लीटर, मतलब 1200 cc का इंजन रहने वाला है इस कार में, और ये पेट्रोल वेरिएंट है। 3 सिलेंडर्स के साथ ये गाड़ी आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हम बैक साइड प्रोफाइलिंग के बारे में। सबसे पहले आपको यहाँ पे वोकल फॉर लोकल, जो कि टाटा अपनी हर गाड़ी में दे रही है, और यहाँ पे आपको डिफोकर्स मिल जाएंगे विद वाइपर, और वाटर स्प्रे का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये, जिससे कि पूरा आपका वाइपर ईजिली वर्क कर सके। पीछे भी आपको वाइट वाली जो पूरी आगे से होती आ रही है कंपनी की एकदम लुकिंग में, वो वाइट क्रोम नहीं कहेंगे इसे, हम वाइट गार्निश फिनिश बोलेंगे। यहाँ पे आपको टाटा का लोगो, आपको कार में सेफ्टी वाइज रियर कैमरा मिलता है विद स्टेयरिंग असिस्ट आपको मिलेगा ये, मतलब आपकी स्टेयरिंग के साथ ही पूरा वर्क करेगा। बीच में बहुत प्यारा सा देखने को मिलेगा आपको नेक्सोन की बैजिंग, जो कि एक पीछे आपकी कार हाईवे पे और कहीं चल रही हो तो पीछे से अलग सी अपनी इमेज बनाती है। यहाँ पे आपको बूट ओपन और क्लोज करने के लिए बटन मिलता है। नीचे आप बात करते हो सेफ्टी वाइज रियर पार्किंग सेंसर मिलेंगे आपको एक यहाँ पे, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स का ऑप्शन मिलता है विद गार्निश फिनिश, जैसे कि आपको आगे फ्रंट रियर में देखने को मिलेगी। ये अगर आप चाहो तो आफ्टर मार्केट जा सकते हो, इसका ऑप्शन आ चुका है इसे रेडी कराने के लिए। नीचे आपको डिफ्यूज़र में भी ऐसी फिनिशिंग मिलती है, और नीचे आपको एक एग्जॉस्ट मिलता है कार में। अब बात करते हो बैक साइड प्रोफाइलिंग के बारे में, अगर तो कार ऐसी है देखने में, ठीक है। तो पूरी कार में आपको, अब मैं आपको कार के इंटीरियर के बारे में बात कराता हूँ। एक चीज़ और मिस कर दी मैंने, जो कि है इसका शार्क फैक एंटीना, जो कि आपको ब्लैक में मिलेगा और कार में लुकिंग भी बहुत अच्छी देता है। ये आपके रूफ रेल्स, जो कि सोफीज नहीं है, ने आप पकड़ के अपना पैर ले सकते हो, और कार की जो हाइट में उसमें भी कुछ लुक इंक्रीज करता है ये। अब बात करते हो आप कार में इंटीरियर के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अगर आपसे प्रेस करा तो ऑटोमेटिक आपकी ये ORVMs, और उसको ओपन करोगे तो ये आपके ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे, जो कि बहुत बढ़िया और अच्छा फीचर है। अब बात करते हो ये वेरिएंट जो मैंने आपको बताया था XZ प्लस, इससे ऊपर आता है XZ प्लस S, जिसमें सिर्फ आपकी इंक्लूड होती है सनरूफ। इस कार में आपको सनरूफ नहीं मिलेगी, इससे जो ऊपर वाला वेरिएंट है XZ प्लस S, उसमें आपको सनरूफ मिलेगा। बाकी इस कार में सारे फीचर्स हैं, और हाँ एक चीज़ और है, मैंने कहा सारे फीचर, सनरूफ और क्रूज कंट्रोल इस कार में आपको नहीं मिलेगा, मतलब इस वेरिएंट में। इसका जो ऊपर वाला वेरिएंट है उसका नाम है XZ प्लस S, उसमें आपको सनरूफ और क्रूज कंट्रोल दोनों देखने को मिलेंगे। तो मैं बात करता हूँ आपको सबसे पहले राइट साइड डोर पैनल के बारे में। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये आपके क्रोम हैंडल्स प्लस ये ब्लैक गार्निश फिनिश, फिर आपके चारों पावर विंडो, और आपका पावर विंडो लॉक और अनलॉक का बटन मिलता है। बस यहाँ पे आपको इतने ही आ चुके हैं कार के अंदर, तो मैं बैठा हुआ हूँ। तो जो कार का केबिन है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ उसमें आपको क्या चीज़ न्यू अपग्रेड मिलती है पुरानी वाली नेक्सोन से, वो है इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। ये आपका रहने वाला है फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलने वाला है आपको इस कार के बारे में। सबसे पहले तो इसमें आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है, यहाँ पर भी मिलेगी आपको,
ठीक है, विद नेक्सोन के बैजिंग के साथ, जो कि पुरानी वाली नेक्सोन में नहीं मिलती थी। यहाँ पे आपको ट्राई एरो वाली, ये मतलब क्रोमिंग का भी वर्क कंपनी ने दिया है, मतलब हर चीज़ जो कि एक अच्छी और लुक वाइज और फील कराती है टच करने में, ठीक है ना, सॉफ्ट टच से ऊपर ये चीज़ कंपनी ने अपग्रेड कराया कार में। ये आपके क्रोम यहाँ पे मिलेंगे एसी वेंट्स में और राइट साइड में भी मिलेगा, तो फीलिंग आती है कार में बढ़िया सी बैठ के, ज़बरदस्त कंसोल आपका जो पूरा मिडिल का रहने वाला है वो ऐसा देखने में आपको मिलेगा। तो क्या क्या चीज़ मिलती है मैं उसके बारे में भी बात करता हूँ। तो सबसे पहले आपको उस कार के अंदर मिलेगा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशनर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, सबसे पहले आपको ये डिफॉगर्स के लिए, और इसमें आपको डिफॉगर ऑन ऑफ के लिए, ये आपका कार की अंदर बार, और ये आपके उसका एडजस्टमेंट मिलता है विंड्स का, और ये आपके फॉग लैम्प के लिए, लाइट्स कंट्रोल, ये आपकी लॉक अनलॉक, ये आपका बूट स्पेस जो कि कार में यहीं पर सारा उन्होंने दे दिया है विद अ बटन। अब बात करते हैं, मैंने इस कार की आपको जो चेक नहीं कराई थी वो थी की, तो सबसे पहले आप कार की चेक कर लो, जो कि मैं दिखाना भूल गया। तो टाटा अपनी हर कार में एक जैसी की यूज़ कर रहा है, अब पता नहीं भाई ऐसा क्यों है, लेकिन की ऐसा नहीं है बुरी लगती हो, की तो अच्छी है। तो इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन मिलता है, लॉक अनलॉक और ये लाइटिंग का, और ये आपके बूट स्पेस का बूट खोलने के लिए। हम बात करता हूँ मैं इसके, मैनुअली ट्रांसमिशन रहने वाला है, सिक्स वे मैनुअली ट्रांसमिशन गेयरबॉक्स मिलता है इस कार के अंदर। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाएगा, ऑक्स की केबल, और ये मिलेगा कार चार्जर पॉइंट 12 वोल्ट का। यहाँ पे आपको कौन कौन से कार के अंदर मोड, सिटी मोड, फिर है इको, फिर है स्पोर्ट। अब मैं दिखाऊंगा, अभी आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में सिटी मोड लिख रहा होगा, जब आप इसको टर्न करोगे स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो ये स्पोर्ट ड्राइव मोड में लग चुकी है। प्लस ये आपको बोल के भी बताएगी कि आपकी कार स्पोर्ट मोड में लग गई है। अगर आप इसे इकोनॉमिक में लगाना चाहोगे तो फिर आप देखिए एक बार, इकोनॉमी ड्राइव मोड, और आपको कार को भगाना है और मतलब तो स्पोर्ट्स मोड में जाइएगा। और सिटी में अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो सिटी में थोड़ा स्टेयरिंग में फर्क आता है और कार की जो परफॉर्मेंस है वो भी ठीक ठाक हो जाती है। अब बात करते हो इस कार के अब एवरेज के बारे में, तो सर इस कार का क्या एवरेज रहने वाला है? सर इस कार का कंपनी 20 का क्लेम कर रही है। अच्छा, आप वही 16-17 निकालेंगे। कंपनी कितने का क्लेम कर रही है? 20। कंपनी 20 का क्लेम कर रही है पेट्रोल में? पेट्रोल में। एवरेज की बात कर रहे थे हम, तो कार में आपको 17 का एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके हार्मन का, जो इसमें ऑडियो सेटअप मिलता है, और 7 इंच का आपको डिस्प्ले मिल जाएगा इसमें हार्मन का। आपका एंड्रॉइड ऑटो रहेगा, कार एप्पल प्ले रहेगा, और रेडियो रहेगा, वॉइस कमांड भी है इसमें। अच्छा, तो क्या अभी इसका कोई डेमो है सर वॉइस कमांड का? तो अभी हम आपको इस कार का जो कंपनी डेमो साउंड दिखाया, पूरा सेटअप आता है ऑडियो सेटअप, तो वो मैं आपको चेक करा देता हूँ उसका साउंड। तो सर इसका साउंड तो बहुत ही बढ़िया है, जो इसमें इसका जो बेस है सर बहुत बढ़िया, मतलब साउंड में तो भाई दिल जीत लिया हरमन ने, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा बड़े शौकीन नहीं हो बहुत बड़े, मतलब इस चीज़ के कि मुझे ऑडियो सेटअप बहुत अपग्रेड चाहिए, तो ये आपका जो कंपनी लगा के दे रही है हरमन का, वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। और अगर आप बहुत ज़्यादा ही हो तो आपको आफ्टर मार्केट जाना पड़ेगा। एक चीज़ जो मैंने वीडियो में गलत बता दी, गलत क्या कि इसमें मैंने कहा ना, ये तो केवल ये रिफ्लेक्टर ही रहने वाला, अगर आपको देखोगे कार में ये वर्क नहीं करते हैं, केवल ये रिफ्लेक्टर की तरह अगर आपकी कार की लाइट पड़ेगी तो ये आपको ब्लिंक करेंगे, नहीं तो इसमें ऐसे कोई इलेक्ट्रिक वर्क नहीं है, केवल लगे हुए हैं रिफ्लेक्टर की तरह जैसे पीछे। सर सबसे पहले मैं बात करूंगा तो इस कार में, तो थोड़ी इंजन की स्पेसिफिकेशन पर बात कर लेते हैं। तो इस कार में आपको 1199 सीसी का इंजन मिलेगा, जो कि 3 सिलेंडर मिलेगा, और जो आपका डीजल रहने वाला है वो मिलेगा आपको 1500 सीसी के साथ, ठीक है। तो उसमें आपको 4 सिलेंडर मिल जाएगा। तो इस कार का जो टॉर्क रहने वाला है वो 170 का टॉर्क मिलेगा आपको मैक्सिमम, वो भी 1750 RPM और 4000 RPM के बीच में। और अगर आप यहीं बात कर लेते हो 1.5 टर्बो चार्ज रिवो टॉर्क इंजन जो आता है डीजल में हमारा, उसमें आपको 1497 सीसी का इंजन 4 सिलेंडर के साथ, वो आपको देगी 260 का टॉर्क। चूँकि मेरे सर समझ से कि जो डीजल है उसमें पावर ज़्यादा है एज अ कम्पेयर इस मॉडल के हिसाब से, और उसमें आपको यहाँ पे सनरूफ भी देखने को मिलेगा। तो भाई ऐसा था इस कार का इंजन का। स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ, जो इसकी सेकंड रो है मतलब रियर वाली, उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, परफेक्ट ही 5 सीटर कार है। और इस कार को NCAP टेस्ट, जो टेस्ट होता है, उसमें 5-स्टार रेटिंग सेफ्टी मिली है। तो सर कार में कितने एयरबैग्स मिल जाते हैं? दो एयरबैग्स वाले वेरियंट में, और इससे जो अपर वेरियंट है उसमें एयरबैग आपके दो ही रहेंगे, दो ही मिलेंगे।
जाएंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ, इसका जो स्टार्ट स्टॉप इंजन का जो बटन आता है पुश स्टैंड स्टार्ट स्टॉप, वो मिलेगा आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे, जो कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, साइड में नहीं मिलती, लेफ्ट में मिलता है, जो कि ठीक है। अगर कोई नया बंदा बैठा है तो बटन वो ढूंढेगा। फीचर अगर आया हो फंक्शन इसमें, इसका जो एग्जेक्ट प्लस ओ है जो एस से भी ऊपर है, उसमें आपको ऑटो हेडलैम्प जो कि आपके वर्क करेंगे और ऑटो रेन सेंसर वाइपरिंग आपके हो जाएंगे, जो इससे ओ ऑप्शन वाला वेरियंट है इसका वो। तो इससे जो ऊपर वाला है उसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिलेगा, इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है इस वेरिएंट में। और इसके यहाँ पे आपको सनरूफ नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर भी नहीं मिलेगा। वैनिटी आपको ठीक है भाई, ज़्यादा डीप लाइट नहीं है, यहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा और यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ रख सकते हो। सनग्लास होल्डर है ये, लेकिन ये वैसा नहीं है जो आपको टच करके आ गया, ये मैनुअल वाला है, मैनुअल है ठीक है। यहाँ पे आपको वैनिटी मिलती है, एयरबैग आपने सब ने बताई दिए दो आएंगे। तो पीछे वाली रो में चलते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे ग्लो बॉक्स में आपका बटन है, ग्लो बॉक्स भाई बहुत बड़ा है सर, ये कूल वाला है। हाँ, कूल ग्लो बॉक्स, कूल ग्लो बॉक्स मिलता है, ये चीज में भाई बढ़िया है। यहाँ पे आपके कुछ कप होल्डर टाइप भी अपने रख सकते हो। और एक चीज जो मैंने बताना भूल दिया, जो मेरा पर्सनल फेवरेट इस कार में रख रहा है, जो बीच का पूरा कंसोल है, यहाँ पे तो आपका हैंड ब्रेक हो गया मैनुअली एडजस्टेबल वाला, यहाँ पे जो आपका ये आर्म रेस्ट है, यहाँ पे पूरा भाई बड़ा सा स्पेस, प्लस ये जो चीज दिख रहे हो ना आप, तो यार ये बहुत बढ़िया लगता है ऐसे कर सकते हैं मर्सिडीज वगैरह में बैठे हुए कोई ब्रांड कार में। लेकिन नेक्सॉन ने भाई ये जो कंसोल है इसका बहुत अच्छा लगता है, स्पेस भाई डिसेंट सा स्पेस, मतलब बढ़िया एकदम। और ये पूरा उसी के साथ, और ये आपका एडजस्टेबल नहीं है ठीक है, आमरेस आपका एडजस्टेबल नहीं है। तो भाई अब चलते हैं, हम अपनी उसकी दे रखी है ठीक है। तो भाई इसमें हम आ चुके हैं, तो भाई पीछे बैठ के देखते हैं कार में कैसा लगता है। तो सर भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। तो भाई सबसे पहले एक चीज़ जो कुशनिंग है एकदम जबरदस्त, मैं उतर के एक बार फिर आपको चेक कराऊंगा भाई। ये तो आगे से भी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है मुझे, क्योंकि आगे वाली थोड़ी हार्ड सीट थी, ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है, आप बैठोगे ना एकदम फील करोगे। और ये आपका हेड रेस्ट मिलता है कार में, और ये आपका आर्म रेस्ट मिलेगा पीछे भी विद टू कप होल्डर्स ठीक है। तो मैं आपको फिर से बैठ के दिखाता हूँ भाई, पीछे बैठने वाली सीट्स हैं बहुत ही कंफर्टेबल हैं एकदम, मतलब आपको लॉन्ग राइड अगर आप जा रहे हो चार बंदे बड़े बड़े तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बीच में आप चाइल्ड हो तो फाइव सीटर पक्की बन जाती है। तो पीछे कंपनी ने क्या ध्यान रखा है पैसेंजर्स के लिए, पीछे वालों के लिए एसी, यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट्स मिलता है टू ठीक है, यहाँ पे टू एसी वेंट्स मिलेंगे रियर में। और ये आपका एज ए शोपीस और विद फिनिशिंग जो आपके पूरे कंसोल में दे रहे हैं ना, ब्लैक पियानो वाली वो। और यहाँ पे आपको बात करते हो डोर पैनल के बारे में, तो ये आपका ट्यूटर, ये आपके क्रोम हैंडल्स, ये आपका लॉक अनलॉक, ये आपकी पियानो ब्लैक फिनिश, ये आपका पावर विंडो स्विच एडजस्टेबल, ये आपका डॉक्यूमेंट के लिए बोतल वगैरह, और ये आपका कंपोनेंट जो कि मैंने अभी आपको उसका साउंड चेक कराई था, सेम चीज़ आपको यहाँ मिलती है ठीक है। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ये आपका एडजस्टेबल हेडरेस्ट। अब बात करते हैं हम कार के बूट स्पेस के बारे में, और बहुत ही बढ़िया पूरा देखने में मिल रहा है। तो भाई एक चीज़ है जो सर इसमें क्या नया अपग्रेड करा गया है, यहाँ एक चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है कार चार्जर वाला जो कि रियर वाले जो पैसेंजर हैं उन्हें अपनी कार अगर चार्ज करनी हो, मोबाइल वगैरह चार्ज करना हो तो आराम से करो। इस कार का मैं आपको बूट स्पेस ओपन करके दिखाता हूँ, तो ये आपने पुश करा और भाई स्पेस बताओ कितना होगा, कमेंट बॉक्स में लिख दो आप लोग कितना आपको इसका बूट स्पेस लग रहा है। तो मैं बताता हूँ आपको, अभी 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है विद लाइटिंग, जो अगर आप रात में कोई भी अपना सामान वगैरह निकाल लुक रहे हो तो यहाँ पे आपको लाइटिंग का ऑप्शन मिलता है, हुक मिलते हैं यहाँ पे आपको दो, इधर भी मिलते हैं, मतलब चार हुक हो जाएंगे टोटल। अगर आप इन चीज़ को फोल्ड भी करके ऑप्शन आता है तो आपकी ये पार्सल ट्रे हट जाएगी और आपका ये पूरा एक तरीके से टू सीटर कार रहने के बाद अपना आप लगेज रख सकते हो, वैसे ही परफेक्ट फाइव सीटर कार है। और अपना ये बूट स्पेस 350 लीटर का, यहाँ पे आपको स्टेपनी व्हील के लिए मिलता है, क्योंकि सर चेक कराएंगे पूरा ये आपका स्टेपनी व्हील विद। सर इसमें अलॉय मिलेगा या नहीं? अलॉय नहीं मिलेगा इसमें आपको, जो स्टेपनी के साथ आ रहा है ये लकी मिलेगी टाटा। ओके, पंचर किट ओके, क्योंकि ट्यूबलेस टायर है ना तो हाँ। कंपनी से ही मिलती है पंचर किट आपको पूरी, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और पूरा इसका जो ब्लैक कारपेट देखने को मिलेगा बहुत बढ़िया और अच्छी क्वालिटी का है। तो बूट स्पेस करते हैं हम बंद, तो भाई एकदम बढ़िया सा आपको इसमें जो मैंने अभी लाइटिंग आपको चेकआउट करा देता हूँ इस कार की। तो टेल लैंप्स आपको इस कार में कैसी मिलती हैं, तो ऐसे आपको रहने वाली हैं टेल लैंप्स का पूरा ट्राई एरो वाला जो आ रहा है ना फिनिश फ्रंट ग्रिल से लेके, वो पूरा बैक टेल लैंप्स में भी यूज करा है। तो भाई ये टेल लैंप्स हैं LED, तो रात में बहुत ही अच्छी, और ये ब्रेक मारोगे तो विद स्पॉयलर, यहाँ पे भी आपको स्पॉयलर वाली भी लाइट चेकआउट करने को मिलेगी। जो हेड लैंप और फॉग लैंप की जो लाइटिंग का रिस्पॉन्स है वो मैं दिखा देता हूँ, इसमें आपको हैलोजन्स मिलते हैं, हैलोजन्स बल्ब प्रोजेक्टर ठीक है ना, विद प्रोजेक्टर, बट ये आपके हेलोजन रहने वाले हैं पूरे। और ये आपके DRLs विद इंडिकेटर्स आपके ऐसे फ्लोटिंग करेंगे, नीचे आपके फॉग लैम्प वो भी येलो वाले रहने वाले हैं, राइट साइड भी आप चेक कर सकते हो आराम से ठीक है। ये आपका DRLs का ही ऑप्शन है, यही आपके इंडिकेटर्स का है, जो कि नाइट में बहुत बढ़िया लुक देती है कार, और लाइटिंग का जो रिस्पॉन्स है वो प्रोजेक्टर के मारे बहुत तगड़ा रहने वाला है।
तो भाई टाटा का जो इंजन जो अपना रेवर टोन पे पूरा वर्क कर रहा है, ये पेट्रोल 1199 सीसी का है। अब एक चीज जो रह रही है वो है कार की ग्राउंड क्लियरेंस, तो मैं बताता हूँ आपको 209 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा कार के अंदर, जो कि एज अ SUV तो बहुत बढ़िया है। तो इसके करते हैं बंद, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो में लाइक करना है।